नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर से। ललितपुर में रेप की घटना पर पुलिस सवालों के घेरे में है। इस घटना के बाद से विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राइट्स यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान में लिया है। आयोग ने 4 हफ्ते के अंदर इस मामले की रिपोर्ट पर जवाब मांगा है। ललितपुर में रेप केस के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खुद संज्ञान लिया है। आयोग ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट 4 हफ्तों के अंदर ही मांगी है। आयोग ने इस मामले में यूपी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भी जारी किया। वहीं पाली थाना के फरार चल रहे इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए ललितपुर SP निखिल पाठक ने क्या कुछ बताया, चलिए सुनते हैं। कल एक बच्ची अपने माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में FIR पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि ललितपुर के पाली की एक नाबालिग लड़की रेप का शिकार हुई थी। अपने साथ हुए जुर्म की शिकायत करने जब वो थानेदार के पास पहुंची तो आरोप है कि थानेदार ने उसके साथ रेप किया। जबकि इससे पहले नाबालिग को मोहल्ले के ही 3 से 4 लड़के जो है वो 22 अप्रैल को बहला फुसला कर भोपाल ले गए थे। वहां नाबालिग का बलात्कार किया गया और बाद में लड़की को घर छोड़ दिया गया। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कितनी जल्दी नाबालिग लड़की को इंसाफ मिलता है और कितने लोग इसके घेरे में आते हैं और पुलिस के शिकंजे में आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।